तो कितने दिन हो गए आपके सर्जरी के बाद और कैसा लग रहा है आपको? सर, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद तो ठीक लग रहा है, लेकिन सर खाने में क्या खाऊं? देखिए, आप खाने में तो सब कुछ खा सकते हैं वैसे। मतलब सर सब कुछ खा सकते हैं? सर पपीता खा सकते हैं? हाँ। सर साबूदाना खा लें? यस। सर हम रोटी सब्जी खा सकते हैं? यस। सर नॉनवेज एकदम बंद कर रख, वो भी खा सकते हैं। वेट, अभी मैं समझाता हूँ। अब अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो कि इंटेस्टाइन्स का पार्ट है। इंटेस्टाइन्स यानी कि आतड़ियाँ जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट करती हैं, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं, हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करती हैं, इसी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स, एंड इसमें अगर कभी इन्फेक्शन हो जाए, कभी बैक्टीरिया उसमें ऐसे आ जाएँ जो कि पस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपके बॉडी को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उससे बीमारी जो बनती है उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब अपेंडिसाइटिस के अलग अलग ट्रीटमेंट के तरीके हैं, बट मेनली उसमें या तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। कब क्या करवाना है उसके कारण अलग हैं। अगर आपको कोई बहुत एक्यूट अपेंडिक्स हुआ है और विद इन 24 आवर्स आप किसी डॉक्टर के पास पहुँचे हो जहाँ पे कि सर्जरी कर सकते हैं, तो आप सर्जरी करवाना चाहेंगे, लेकिन बहुत समय से आपको दुख रहा था, हल्का फुल्का दुख रहा था, दवाइयाँ खा खा के आपने उसको ठीक किया है, एंड सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करने पे पता चला कि अंदर गांठ बन गई है, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में लंप कहते हैं, अपेंडिकुलर लंप कहते हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर कहेंगे कि अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, महीने दो महीने के बाद हम सर्जरी करेंगे, तब तक आप दवा खा लीजिए। आज जो सवाल का आंसर हम ढूंढ रहे हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये कि ऑपरेशन के बाद हम क्या खाएं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हज़ारों लाखों लोगों का होता है रोज़ाना, बट सब लोग ऑपरेशन के बाद यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। एंड इसके पहले कि आप गलत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करें और यहाँ वहाँ की चीज़ें सुन के कन्फ्यूज़ हों, मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आपको फोकस करना है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है कि आप जो भी खाना खाएं वो अच्छी क्वालिटी का खाएं। अगेन, क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि महंगा खाना, क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रिजर्व रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रिजर्व रहते हैं। उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप होल फ्रूट खाएं, यानी कि पूरा फ्रूट खाएं, ना कि उसको कट करके उसका जूस बना के, छिलका हटा के वगैरह वगैरह तरीके के चीज़ें करके खाएं, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाए। जहाँ तक आप खाना बना रहे हैं, आप चाहेंगे कि आप वेजिटेबल्स खाएं जो कि मॉडरेटली कुक्ड है। ऐसा भी नहीं कि आपने उसको एकदम पका के उसमें तेल मसाला डाल के उसकी पूरी जान ले ली है एंड फिर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सैलड्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन की जिसमें आपके खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू भी प्रिजर्व रहती है एंड आप उसको अलग अलग तरीके से टेस्टी भी बना सकते हो। जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन की बात आती है, ये बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि हम क्या नहीं खा सकते हैं, एंड मेरा आंसर ये है कि ऐसे कोई भी खाने की चीज़ नहीं है जिसको कि खा के मैंने देखा हो कि कोई व्यक्ति स्पेशली अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद में दोबारा बीमार पड़ गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो चावल खा लेंगे तो टाके नहीं सूखेंगे, आलू खा लेंगे तो घाव नहीं भरेगा, एंड पता नहीं ये सब कौन उनको समझाता है, बट इन शॉर्ट ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं खा सकते हो, या आप खाओगे तो आपके ऑपरेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। वेज नॉनवेज की जहाँ तक बात आती है, अगेन किस तरीके से उसको कुक किया जा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ कि वो आप आलू खा रहे हो या चिकन खा रहे हो। जहाँ तक डाइजेशन की बात आती है, आलू इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, तो मैं कहूँगा कि यस, आप अगर वेजिटेरियन हैं या आप कुछ दिन तक वेज इजी टू डाइजेस्ट खाना खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि अगर आपने चिकन खा लिया तो ऐसा नहीं है कि अब आपका ऑपरेशन फेल हो गया, आपको दौड़ के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि हमारा जो खाना है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन होनी चाहिए, तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदा है। कुछ चीज़ें जो कि आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको खाना चाहिए, वो है प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड यानी कि ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे इंटेस्टाइन्स में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको और ग्रो होने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो पाए। तो प्रोबायोटिक के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे दही या कर्ड से रिलेटेड सब चीज़ें, जैसे कि फर्मेंटेड फूड यानी कि फर्मेंटेड राइस से रिलेटेड चीज़ें, इडली डोसा वगैरह, अगेन ज़्यादा स्पाइसी नहीं बट फर्मेंटेड,
फर्मेंटेड सोयाबीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटेस्टाइंस के जो हेल्दी बैक्टीरिया उनको ग्रो करने में मदद करती हैं। आप उसी चीज़ के कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, याकुल्ट वगैरह के, अमूल के, जिनमें कि प्रोबायोटिक चीज़ें होती हैं। मैंने उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, देखिएगा ज़रूर। तो वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप फाइबर ऐड कर सकते हैं। फाइबर आपकी डाइट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हाई फाइबर डाइट में इंडियन चीज़ों में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, एप्पल, बनाना, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, हरी सब्जियाँ, उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है, यू कैन चेक दैट आउट। तो फाइबर इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड लास्टली हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, लोग भूल जाते हैं, बट ये आपके ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में काफ़ी मदद करता है। एंड किसी भी सर्जरी के बाद हम चाहेंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का एकदम टॉप क्वालिटी, टॉप शेप में रहे, जिससे कि रिकवरी अच्छी हो पाए। तो ये चीज़ों को आपको इंक्लूड करना चाहिए। कुछ चीज़ें जिनको आप अवॉइड करना चाहेंगे अपनी सर्जरी के बाद, वो है जंक फूड। मैंने जो भी पेशेंट को आप बोलो कि आप जंक फूड मत खाइए, सबका आंसर ये रहता है कि सर हम तो कभी खाते ही नहीं हैं, मुझे पता नहीं कि इतने पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, चटोनी कौन खा रहा है, अगर मरीज़ मेरे तो कभी खाते नहीं है। बट एनीवेज, जंक फूड में बहुत सारा सैचुरेटेड फैट होता है, बहुत सारी शुगर होती है, बहुत सारा अलग अलग किस्म की आप कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स होते हैं जो कि हेल्दी नहीं है। हाइजीन की भी प्रॉब्लम होती है अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके रिकवरी, हो सकता है कि आप इनको खा के दोबारा से बीमार पड़ जाएं, आप अपेंडिक्स ठीक कराने गए थे, अब आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज बन गए। हम नहीं चाहेंगे कि ये सब आपको हो, तो इसीलिए जंक फूड आने वाले 2 से 3 महीने तक अगर आप अवॉइड कर पाए तो आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो पाएगी। उसी के साथ बात आती है अल्कोहल की, स्मोकिंग की। अगेन सेम रिकमेंडेशन है, अब जब आपकी सर्जरी हुई है तो आप उसी बहाने से इन चीज़ों को भी जितना अवॉइड करना सीख लें उतना अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट मैं चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें, बिकॉज एज अ डॉक्टर मेरी तरफ से कोई किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फलानी चीज़ खाने से आप बीमार हो जाओगे तो वो मत खाओ, बट फिर भी पेशेंट अक्सर अपने आप के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं, दोस्तों से पूछ के, रिश्तेदारों से पूछ के, इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ के, एंड वो अपने आप को ही परेशानी में डालते रहते हैं। कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन सिर्फ इस इंटेंशन से करता है कि उससे उसकी मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए, अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से चीज़ें पूछिए क्लियरली, एक बार नहीं 10 बार समझिए, एंड उसके बाद उसको फॉलो कीजिए, जिससे कि आप अननेसेसरी अपने आप के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना डालें। तो आई होप इससे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों, एटलीस्ट अपेंडिक्स सर्जरी के बाद डाइट रिलेटेड डाउट्स। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, चैनल पे देख लीजिए, और भी सारे वीडियोज़ हैं। अगर आपकी उसमें से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हेल्प अदर्स, एंड विद दैट वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।